नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के बारे में सुना है आपने? ये क्या होता है जानते हैं आप? इसमें क्या किया जाता है, कौन लोग हैं, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक मंडल कुछ इस तरह की बॉडी है जैसे कि घर के बुजुर्ग होते हैं। उन्हें अगर आप घर के किसी भी काम में इन्वॉल्व ना करें और उन्हें ये भी मान लिया जाता है कि वो फिज़िकली फिट नहीं है, एक्टिवली कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें फिज़िकल वर्क की ज़रूरत हो, ताकत की ज़रूरत हो, तो वो उस जोन में आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से दूसरे लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं। ये कुछ इसी तरह की बॉडी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साल पहले बनाई थी और इस बॉडी में अब तक, सही बताऊँ आपको, बस मेरे ख्याल में दो ही लोग आए थे, एक तो एलके आडवाणी जी और एक मुरली मनोहर जोशी जी। उसके बाद अब कौन है इसमें, ये क्या करती है मार्गदर्शक मंडल, क्या इसका कोई मीटिंग भी होती है, क्या इसका कोई संविधान है, ये कैसे फंक्शन करती है, ये किसी को नहीं पता है। बहरहाल अब बात मैं करता हूँ कुछ पुरानी बातें। जून 2013 की ये बात है, गोवा में बीजेपी का कॉन्क्लेव होने वाला था, आपको याद होगा शायद, और जिन लोगों को याद नहीं है मैं बता दूं कि इस कॉन्क्लेव से पहले ये चर्चा ज़ोर से उठी थी कि नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाएगा और उनको पीएम फेस बनाए जाने की भाजपा में ज़ोर शोर से मुहिम जारी थी। ये कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले ये मुहिम ज़ोर शोर से चल रही थी, मीडिया में खबरें आ रही थी और एलके आडवाणी जी जो भाजपा के वरिष्ठतम नेता थे उस समय, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो 2007 से बीमार थे, 2018 में उनका निधन हो गया, तो आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था। जी हाँ, आडवाणी ने विरोध जताते हुए मोदी के नाम पर इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इसके अलावा वो भाजपा में जितने भी पदों पर थे उन्होंने सभी से इस्तीफा दे दिया था और उस मीटिंग में उन्होंने भाग भी नहीं लिया था। और बाद में जब दबाव बनाया पार्टी के लोगों ने उनसे और उनकी रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने इस्तीफा अपना वापस लिया था। बहरहाल इस बीच नरेंद्र मोदी भाजपा की प्रचार समिति के मुखिया बना दिए गए थे और सितंबर 2013 में उन्हें पीएम कैंडिडेट भी भाजपा ने बना लिया। तो ये तो एक छोटी सी बैकग्राउंड है नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बीच शुरू हुई पुरानी टसल की। बहरहाल इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बहुत तेज़ी से उभर कर आए और प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया, तो उसी समय इस मार्गदर्शक मंडल का आविष्कार हुआ और कहा गया कि आडवाणी जी और जोशी जी इसमें रहेंगे, उन्हें सांसद होने के बावजूद मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया, यानी कि एक तरह से उन्हें एक्टिव राजनीति से बाहर कर दिया गया। तो 16वीं लोकसभा जो अभी ये ख़त्म होने जा रही है, इसके दौरान आपने देखा होगा कि टीवी पर डिबेट्स में भी देखा होगा कि जितनी भी डिबेट्स हुई इसमें एलके आडवाणी मौजूद रहे लेकिन उन्होंने किसी भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, किसी भी बहस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मोदी जी के बगल में ही वो बैठते थे और राजनाथ जी वगैरह सब साथ में बैठे रहते थे, लेकिन आडवाणी हमेशा चुप रहे और बोले नहीं। कहा जाता है कि ये उनका मूक विरोध था और अगर वो बोलते भी या उन्हें बोलने का मौका भी दिया जाता तो शायद उससे सरकार को एम्बेरेसमेंट होता, इसी वजह से ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया। बहरहाल अब ये ख़त्म हो चुका है दौर, अब एक और नया दौर शुरू हुआ है। इस दौर में आपको मैं बताऊं कि मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी से 85 साल के हैं, आडवाणी जी 90 के करीब पहुंच रहे हैं, उनका टिकट भी काट दिया गया है, उनकी जगह अमित शाह लड़ रहे हैं, जोशी की जगह किसी और कैंडिडेट को, वहाँ से पचौरी को कानपुर से कैंडिडेट बनाया गया है। आपको मैं बताऊं कि मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी की सीट मोदी के लिए छोड़ी थी 2014 में, वाराणसी से सांसद थे इससे पहले मुरली मनोहर जोशी,
और अब देखिए कि स्थिति ये है कि उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जिस पर जोशी जी के साइन भी नहीं थे। उसमें लिखा था कि भाई पार्टी ने उनसे कहा है कि वे चुनाव ना लड़ें, तो वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहरहाल ये कोई पहला अभियान नहीं है भाजपा में, इससे पहले भी किस तरह के काम हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटने के बाद जो बाद की सूची भारतीय जनता पार्टी की आई है उसमें हिमाचल प्रदेश के पुराने सीएम शांता कुमार जी, कलराज मिश्र जो यूपी में मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री थे, उनका भी टिकट नहीं है, और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे करिया मुंडा, उनका भी टिकट नहीं हुआ। इसके अलावा मधुबनी के पुराने बिहार के पुराने दिग्गज भाजपा नेता हुकुमदेव नारायण, जो अक्सर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बड़ा दिलचस्प तरीके से बोलते हैं, उनका भी टिकट नहीं हुआ है। उनके बेटे अशोक को जरूर टिकट दिया गया है और हुकुमदेव नारायण जी को पद्मश्री देकर इस बार घर बैठने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा दो और नेता के नाम हम भूल रहे हैं, जसवंत सिंह जो वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री थे और यशवंत सिन्हा, ये दोनों भाजपा से पहले ही नाराज चल रहे थे, पार्टी भी छोड़ चुके हैं। और जसवंत सिंह तो 2014 से बीमार है, गंभीर बीमार हैं, वो एक्टिव नहीं हैं अब। यशवंत सिन्हा जरूर पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी की गवर्नमेंट में डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो अब ये मार्गदर्शक मंडल कहने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा बना, लेकिन इसका पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और या यूँ कहें कि इन नेताओं ने पार्टी को एक तरह से दरकिनार कर दिया और ये समझ लिया कि जब पार्टी हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम पार्टी के बारे में क्यों सोचें। बहरहाल ये एक बहस का मुद्दा है। मीडिया में अक्सर ये खबरें छपती हैं कि आडवाणी जी को जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया, जोशी जी को मोदी ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया, लेकिन इसमें मैं अगर ओपिनियन की बात करूँ तो इसमें गलत भी क्या है। क्या अगर आप नेता हैं बड़े और आप जब तक जिंदा रहेंगे क्या तब तक आप चुनाव लड़ते रहेंगे? आपने कभी पार्लियामेंट में शरद पवार को देखा है? ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। शरद यादव जिन पर उम्र हावी हो चुकी है, ढंग से बोल नहीं पाते हैं, जब भी बोलते हैं तो हास्य का पात्र बनते हैं। मुलायम सिंह यादव, अभी देखिए उन्होंने पिछले दिनों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे दी थी, अखिलेश यादव को कितना एम्बेरेंसमेंट में फंसाया था उन्होंने। तो इन लोगों को भी क्या एक रिटायरमेंट नहीं ले लेना चाहिए? और अगर भाजपा ने इस तरह की पॉलिसी कोई बनाई है वरिष्ठ नेताओं को रिटायरमेंट देने की, तो उसमें गलत क्या किया है? दूसरी पार्टियों को इसे फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हम और आप जैसे जो आम नागरिक हैं उन्हें ही रिटायरमेंट लेने का एक अधिकार है, या कहते हैं चाहिए कि उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है? नेताओं की भी रिटायरमेंट एज फिक्स होनी चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर 75 साल की उम्र फिक्स की है तो दूसरी पार्टियां इसे फॉलो क्यों नहीं करती हैं? ऐसा उन्हें भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत आदर्श है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने शुरुआत एक अच्छी की है। और राजनीति से रिटायरमेंट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो पार्टी के संविधान में आप इस तरह का प्रावधान कर सकते हैं कि आप मिनिमम किस उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी देखिए, बीमार हैं, मरणासन्न हो चुके हैं, फिर भी उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ लें, वो तो कानून की वजह से वो नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इस तरह के कई नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के, जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है, उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी रिटायरमेंट की एज पर आ रहे हैं, फिर भी वो राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर भाजपा ने ये शुरुआत की है तो इस तरह का आदर्श अपनाते हुए इसे दूसरी पार्टियों को भी इसे फॉलो करना चाहिए। बहरहाल आप फॉलो करते रहें, हर्ष की बात लाइव जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, तभी आप मेरे लेटेस्ट वीडियो और लाइव वीडियो देख पाएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।